보니까 아주 잘 가르친 것으로 아고 가가네 어떤 야가네 아고 자야바 비시 बिल्कुल इस वक्त हम टिकबाग मटन अनंतनाग में मौजूद है गुलिस्तान लाइफ फील्ड में आपका हर मुकदम है। यहाँ पर मैं आपको एक ऐसे बल्लेबाज से मिलाऊंगा जो सिर्फ एक हाथ से खेलते हैं, जिन्होंने अभी यहाँ पे ट्रायल की है, ट्रायल में ये हिस्सा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने पहली बार जो है अंडर 19 ट्रायल जो है पूरे जिले में यहाँ पर कायम की है, जहाँ पे नॉर्थ साउथ या सेंट्रल कश्मीर, तो यहाँ से जिस तरह से हमने क्रिकेटर्स के साथ बात की तो उनका यही कहना है कि अंडर 19 ट्रायल्स कराने का मुद्दा और मकसद ये है कि जो टैलेंट है, जो जिले का टैलेंट है, उसको आम लोगों के सामने रखा जाए। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जम्मू में, पूरे जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं पर जो खिलाड़ी हैं वो सामने आ रहे हैं, ये खिलाड़ी जो है इंतजार कर रहे हैं, कुछ ग्लव्स पहन के, कुछ ग्लव्स बाहर रख के, लेकिन अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ये सब खिलाड़ी। और ये देख लीजिए आप कितना टैलेंट है हमारे यहाँ, हमारे अनंतनाग में, हमारे जनूबी कश्मीर में। कहीं ना कहीं पर क्रिकेट एसोसिएशन का यही मुद्दा और मकसद है कि इस टैलेंट को जो है और निखारा जाए, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रायल्स हो रही हैं, इस सीमेंट पे ट्रायल्स हो रही है, इसके बाद जब ये श्रीनगर पहुंचेंगे तो वहाँ पे टर्फ पे जो है इनकी ट्रायल्स ली जाएगी। तो जिस तरह से हमने बात की क्रिकेट एसोसिएशन के जो मेम्बरान हैं उनके साथ हमने थोड़ी देर पहले बात की, तो उनका यही कहना है कि इन ट्रायल्स के बाद ये श्रीनगर पहुंचेंगे और श्रीनगर के बाद वहां पर जो है ये आपस में इनके मैच होंगे। मैच के बाद जो अच्छा टैलेंट होगा उसको जो है बाहर निकाला जाएगा। मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जिस तरह से हमने देखा कि क्रिकेट एसोसिएशन, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में जिस तरह से यूथ हम देख रहे हैं कि ऐसे खिलाड़ी जो है वो बाहर आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी जो है जो छुपे हुए थे जिनको बाहर जो है वो लाया गया, जिनका टैलेंट जो है पूरी दुनिया के सामने रखा गया है। और वो टैलेंट आजकल हम देख रहे हैं कि आईपीएल तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के हमारे खिलाड़ी जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की एक अहम मीटिंग जो है वो श्रीनगर में मुनक्कद हुई, जिसमें ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जो है वो थे, उन्होंने वहाँ पर जो भी मेम्बरान है जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के, उनके साथ बात की, उनके साथ तबादला ख्याल किया गया, उनको बताया गया कि जो टैलेंट है जम्मू कश्मीर का उसको हम कैसे सामने रखेंगे। उसके लिए ये बड़ा फैसला लिया गया कि हर जिला सतह पर जो ट्रायल्स है वो ली जाएगी। इसके बाद अंडर 22 की ट्रायल्स जो है वो शायद होंगी, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस जो है वो इन नौजवानों पे इस वक्त हो रहा है। देख लीजिए आप कि जो ये नौजवान है ये इंतजार कर रहा है, हालांकि ये बहुत अच्छी बात है कि ये देख रहे हैं नेट की ओर कि किस तरह से जो जिसको नेट में बुलाया जाता है वो कैसे खेलता है। अगर किसी के पास कोई कमी या कोई कमजोरी होती है तो वो कमजोरी जो है दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन इस टैलेंट को सलाम। और इस टैलेंट को हम इसलिए सलाम कहते हैं क्योंकि सुबह से ही अपना किट बैग लेकर ये मटन के टिकबाग पहुंच गए। मैं बता दूं आपको कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन जो है उनका यही मानना है, क्योंकि कुछ देर पहले हमारी उनके साथ बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारी यही कोशिश है कि इस टैलेंट को और निखारा जाए, क्योंकि इस टैलेंट के हवाले से मैं आपको यही बता दूं कि जब ये टैलेंट सामने आएगा तो कहीं ना कहीं पे कल ये जम्मू कश्मीर रिप्रेजेंट करेंगे नेशनल के लिए, क्योंकि नेशनल जो है वो बीसीसीआई रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद अगर ये अच्छा खेलेंगे तो आईपीएल में इनका ऑप्शन होगा, अगर उससे अच्छा होगा इंडिया ए भी रिप्रेजेंट करेंगे, अगर उससे अच्छा भी खेलेंगे तो शायद मुल्क भी ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेरा जो मानना है यहाँ पर इस टैलेंट को निखारने के लिए जो बड़े क्रिकेटर्स हैं, जो रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं, वो इस वक्त इस ग्राउंड में मौजूद है।
क्योंकि हम भी उनको जानते हैं, हम भी उनका नाम जानते हैं और उन्होंने अपना नाम जो है जम्मू कश्मीर का नाम, मुल्क का नाम रोशन किया है। यहाँ पर बात करने के लिए हालांकि क्रिकेट एसोसिएशन का मेंबर जो है वो मौजूद नहीं है, लेकिन जो सिलेक्शन कमेटी है वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो इस वक्त सिलेक्शन पे नजर बनाए हुए है, इसलिए हम उनको यहाँ पर उनके साथ बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर तकरीबन 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को इस वक्त ग्राउंड में तकरीबन 200 खिलाड़ी होंगे जो आज सुबह से ही यहाँ पर पहुंच गए हैं। इनके साथ बात करेंगे। आपका नाम बेटा? आरिफ। कहाँ से आप? काजीगुड़ से आप आए हैं। आप बैट्समैन है या गेंदबाज? बैट्समैन हो आप। कब आपने सुना कि यहाँ पर ट्रायल जोन है? इंटरनेट पे आपने देखा, तो कितने खुश आप और जेके सी को क्या कहेंगे आप? कितने बल्ले आपके? दो। तो कौन सा बल्ला आपको अच्छा लगता है? हाँ, क्या आपको उम्मीद है सिलेक्ट हो जाएंगे आप? अच्छा, मेहनत करते हैं आप क्रिकेट में? बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। चले, ये काजीगुड़ से थे, इसने कहा कि मैंने इंटरनेट पर देखा, यानी कि कोई भी इसमें जो है छुपाने वाली बात नहीं है, सब देख रहे हैं। एक और यहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ियों से हम बात करेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जितने खिलाड़ी होंगे यहाँ पर अच्छी बात है उनके साथ बात करने की। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पे लेफ्ट आर्म स्पिनर है आप, शायद लेग स्पिनर है। चलिए, लेग स्पिनर है यहाँ पे, तो लेग स्पिनर के साथ बात करेंगे। ये बताइए, क्या उम्मीद है आपको यहाँ पे? जी, हम अच्छे परफॉर्मेंस देंगे तो हम आगे के। अच्छा, तो किस तरह की आपको लगता है कि क्या ये अच्छी कोशिश है जेके सीए की, क्योंकि शायद पहली बार हम देख रहे हैं? जी हाँ, अच्छी कोशिश है, हम परफॉर्मेंस दिखाएं तो हम आगे जा सकते हैं, तो हम परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हैं। आप परफॉर्मेंस 100%? तो क्या आप गेंदबाजी पूरे दिन करोगे या बीच बीच में थक जाओगे? नहीं, हम तो कोशिश करेंगे अपने आप। अच्छा, चलिए, बेस्ट ऑफ लक कहेंगे हम इनसे। तो जो बच्चे, तो एक एक बच्चों है, मैं बिलोंग्स कुलगाम। अच्छा, कुलगाम से आप। ये बताए कि यहाँ पे ट्रायल्स हो रही है, इससे पहले शायद इस तरह की ट्रायल्स नहीं होती थी, आज क्योंकि हर कोई देखेगा, अपने बच्चे की परफॉर्मेंस भी देखेगा, तो कितने उम्मीद करते हैं आप और जेके सी को क्या कहेंगे आप? आईपीएल में जैसे इमरान मलिक ने तहलका मचाया तो बच्चों में इतना जुनून है कि कब हम आईपीएल में आएंगे। तो ये जो सारा टैलेंट है कश्मीर में, इतना टैलेंट है, बड़े आपने देखा है कि जैसे एक्सप्रेस निकला ही है हाल ही में, तो उन्होंने सबसे तेज गेंद किया है आईपीएल में, तो ये बच्चे भी उसी कोशिश में लगे हैं, इंशाल्लाह उसमें ये कामयाब हो जाएंगे। हम डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से, जहाँ से राशिक सलाम ने भी बड़ी अच्छी कोशिश की, तो आगे बढ़े जिन्होंने कलकत्ता में खेला और सब बड़ी अच्छी। चले, एक्सप्रेस इन्होंने खुद ही नाम दिया, जम्मू कश्मीर एक्सप्रेस है वो। तो एक और है शायद, इनका भी बच्चा होगा, आपका भी बच्चा। चलो, सबसे पहले हम इनको सलाम करते हैं कि ये इतना जो है भरोसा है इनको अपने बच्चे पे, और ये चाहेगा कि मेरा बच्चा जो है वो जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करे। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम तारिक बशीर है, मैं सीर का वासी कृष्ण कनन्ना है। आप देख रहे हैं कि हालिया दिनों में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले बच्चों ने बहुत अच्छा किया आईपीएल में, और यहाँ तक कि दुनियाई क्रिकेट के तमाम ऊंचे नामों ने उनको ये कहा कि ये इंटरनेशनल खेलेंगे, जिनमें हमारे ये उमरान मलिक साहब हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस वादी गुलपोश में कितना टैलेंट है, लेकिन इस टैलेंट को निखारने की जरूरत है, फेयर सिलेक्शंस की जरूरत है, और वालिदैन को आगे आने की जरूरत है, ताकि ये जो हिडन पोटेंशियल है ये आगे आए। हिडन की बात की है, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ कि हर जगह पर ट्रायल्स हो रही है, खुले में ट्रायल्स हो रही है, कोई किसी भी चीज को इन्होंने नहीं छुपाया है, आपके सामने टैलेंट है, तो क्या कहेंगे इस चीज को? ये बहुत बढ़िया कोशिश है, द फेयर सिलेक्शन इज द वे वी विल हैव आवर पोटेंशियल ऑन द इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल पर हमारा पोटेंशियल तभी आएगा जब फेयर सिलेक्शन होगी और इस तरह की ट्रायल्स होंगी। हम मुबारकबाद देते हैं जेके एसोसिएशन को, क्रिकेट एसोसिएशन को, कि उन्होंने ओपन ट्रायल्स रखी है, वालदेन देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, हजारों बच्चे देख रहे हैं, जिसमें टैलेंट है वो खुद आगे आता है। सही कहा इन्होंने, जिसमें टैलेंट होगा वो आगे आएगा, जिसका टैलेंट नहीं होगा तो वो तो घर बैठेगा ही। लेकिन एक्सप्रेस ही एक्सप्रेस है यहाँ पे, हर कोई कहता है कि हम भी एक्सप्रेस बनना चाहते हैं, लेकिन हर कोई एक्सप्रेस तो नहीं बनना चाहता है, लेकिन काश हमारे यहाँ से भी एक एक्सप्रेस निकल जाए और वो आईपीएल
अगला आईपीएल खेले और वो भी हमारे इस जिले का जनूबी कश्मीर का नाम रोशन करे। इससे पहले तो हमने एक्सप्रेस देखे है, जैसे अब्दुल कयूम भगो एक्सप्रेस था, उसको भी तो एक्सप्रेस ही के नाम से जाना जाता था और काफी डर लगता था बल्लेबाजों को जब उसके हाथ में गेंद होती थी। लेकिन हम चाहेंगे कि इस बार इस टैलेंट में कोई एक्सप्रेस निकले, कोई सचिन तेंदुलकर निकले, कोई बहुत ही अच्छा बल्लेबाज निकले, ताकि वो हमारे जनूबी कश्मीर का नाम रोशन करे, हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करे। लेकिन जेकेसीए की इस कोशिश को हर कोई सराहना करता हुआ नजर आ रहा है कि हिडन टैलेंट जो है उसको सामने लाया गया है। हिडन टैलेंट जो था, जो घर में नजर आता था, जो किसी फार फ्लंग एरिया में नजर आता था, लेकिन आज वो टैलेंट हमारे सामने है। ये है ऐसे नौजवान। आप कहाँ से हो? बिजवाड़ा से। नाम क्या है? सोहेब शौकत। शायद आप जम्मू में भी ट्रांसफर? जम्मू में। अच्छा, चलिए फिर कोई और है। ये बताए कितना अच्छा लगा आपको, क्योंकि आप भी बिजवाड़ा से बिलोंग करते हैं, जहाँ से सबसे ज्यादा क्रिकेट निकला? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। आज यहाँ पर फुल ट्राइल हुए टैलेंट को आगे लाने के लिए। यहाँ पर जेकेसीए ने बहुत ही अच्छा काम किया है और हम सब बहुत खुश हुए। चले सारे सभी खुश है। अगर मैं हर किसी का इंटरव्यू लूँ तो फिर रात तो यहाँ से ही निकलेगी, फिर तो रात भर यहाँ ही बैठना पड़ेगा। फिर मुझे पता नहीं, मेरी बैटरी भी लो होती हुई नजर आ रही है। लेकिन गुलिस्तान लाइव की यही कोशिश है, गुलिस्तान चैनल की यही कोशिश है कि हम इस यंग टैलेंट को आपके सामने रखें। हम जो गवर्नमेंट, जो सरकार काम करती है, वो हम आपके सामने रखें। जिस तरह से क्रिकेट एसोसिएशन ने एक अच्छी पहल की है, क्रिकेट एसोसिएशन ने यहाँ पर जो टैलेंट हट रखा है, उसके लिए हम जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का भी शुक्रिया अदा करते हैं। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।